बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता है। वारवेड आई है इस समय राष्ट्र प्रेमी संस्था की सुपर टैक अलॉन है। आठ नंबर की बस्ती में गुरिंदर ने लेफ्ट कॉर्नर से क्या कहने पॉइंट मिलेगा इस समय डालना यार वो मैं पकड़ डाल रेडर को बेहतरीन अंदाज में समीर ने ये पॉइंट लेकर आए। अब देखिए फैसला से राष्ट्र प्रमिशन का आठ पे आखिरी खिलाड़ी है। क्या समय ऑल आउट के कगार पे है टीम टैकल की कोशिश की कमान पे आठ नंबर के जर्सी में प्रदीप आए हैं। समर हित की कमान लेकर के देखना होगा इस समय जबरदस्त मुकाबला है। बेहतरीन खिलाड़ी दोनों टीमों में। आज बड़नगर की टीम चुनौती दे रही है बराबरी से। कान्हा इस समय चेन में आकाश भावसार के साथ जीतू यादव लेफ्ट कॉर्नर पे हैं। जबरदस्त मुकाबला डकाशिया की रेड आई है भी जबरदस्त टीम है जानी जाती है मालवा क्षेत्र में अपने प्रदर्शन के लिए। डकाशिया के लिए पांच नंबर की जर्सी में दीपक है रेड पे। 11-11 के स्कोर हालांकि आउट किया इस बार जीतू को। 12 पॉइंट पे डकाशिया 11 पे राष्ट्रीय में संस्था पटनगर। 11-12 के स्कोर क्या बेहतरीन मेजबानी। आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला इसके बाद सेमीफाइनल होंगे पुरुष वर्ग के। बेहतरीन लाजवाब अंदाज में कितने उंगलियां हवा में होंगी देखना होगा इस समय हमारे अनुभवी ऑफिशियल रविंद्र यादव मुकेश जाट साथ में बात होगा। जीतू वापस आ गए हैं इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे अनुभवी खिलाड़ी नेशनल प्लेयर जीतू यादव। दूसरी तरफ डकाशिया अब 12 पे राष्ट्रप्रेमी बड़नगर 13 पे। बोनस मिला है इस समय डकाशिया को। दोनों टीमें बराबरी पे हैं। 13-13 का स्कोर। निगाहें रखे बड़नगर वालों ये सबसे दिलचस्प मुकाबला है। देखिए राष्ट्र उस मैच में विजय घोषित होता है तो 100 रुपए का पुरस्कार श्री नरेंद्र वाले सरपंच साहब की ओर से दिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा इस समय डकाशिया है 13 पे राष्ट्रप्रेमी 14 पे। क्या दिलचस्प मुकाबला है कांटे की चक्कर पड़नगर के लिए 200 रुपए का और पुरस्कार है श्री मुकेश जी मरवाल साहब की ओर से। पड़नगर अगर जीतता है तो 200 रुपए का पुरस्कार श्री सारिंग क्लब की। क्या खूबसूरत मेजबानी पूरी टीम वीरेंद्र सिंह जी द्विवेदी समाधानी है। मुकेश मरवाल जी संतोष भंडारे जी महपाल पवार जी सुशील गोरा जी अजय पंडा जी लेकिन ये खिलाड़ी पे निगाहें रखिए उभरता सितारा मध्य प्रदेश का समीर आए हैं रेड पे। समय युवा खिलाड़ी समीर देखना होगा इस समय पांच के डिफेंस में। नकाशा के डिफेंस को क्या चकमा देख पाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में गजब के फुटवर्क और गति है बेहतरीन स्किल और टैक्टिक्स से देखना होगा इस समय राष्ट्रीय संस्था 14 क्या बराबरी क्या दिलचस्प मुकाबला। हेलो 100 रुपए का पुरस्कार भाई दौलतराम जी राठौड़ खलीफा की ओर से भी प्रदान किया जाएगा। 100 रुपए का पुरस्कार श्री गणेशीलाल जी रावल है ना वकील साहब की ओर से प्रदान किया जाएगा। 200 रुपए का पुरस्कार श्री मुकेश जी मोरवाल प्रतियोगिता आयोजक की ओर से प्रदान किया जाएगा और 200 रुपए का पुरस्कार भाई महिपाल सिंह पवार दातर वाले की ओर से प्रदान किया जाएगा अगर बड़नगर राष्ट्रीय संघ विजय होता है तो। बहुत जबरदस्त मुकाबला है कांटे की चुनौती बड़नगर पेश कर रही है। डकाशिया के खिलाफ प्रदीप आए हैं रेड पे 14-14 पॉइंट्स की बराबरी है। क्या कहने राइट कॉर्नर को बाहर किया प्रदीप ने खूबसूरती से। बड़नगर वर्सेस डकाशिया के बीच में दोस्तों मैच चलता हुआ। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमआरडी कबड्डी किंग यूट्यूब चैनल। अगर दोनों टीमों में से जो भी टीम विजय श्री को प्राप्त करती है उसको 1100 रुपए श्री शिवम होटल जस्तागढ़ी की ओर से दिए जाएंगे। 1100 रुपए का इनाम है। इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी होटल जस्तागढ़ी की ओर से हमारे आदरणीय शंकर लाल जी पाटीदार
उनकी ओर से 1400 रुपए नगद पैसे आ चुके हैं। डकाचा वर्सेस बड़नगर के बीच में दोस्तों मैच चलता हुआ, बड़नगर वर्सेस डकाचा के बीच में शानदार इस मैच पे बड़नगर विजय होती है तो पवन जी किलोली पूर्व पार्षद की ओर से 100 रुपए और दोनों टीमों में से जो भी कोई टीम इसमें जीतेगी इस क्वार्टर फाइनल में हमारे नक्षत्रों से नाम से नवाज रहे हैं। 18 पॉइंट पे इस समय राष्ट्रीय मिशन संस्था और 15 पे बताशा राष्ट्रीय मिशन संस्था ने क्या जबरदस्त वापसी की है। ऑल आउट की तरफ बहुत ही एक्साइटिंग ऑल आउट की तरफ भेज रही है टीम इस समय। इसके अलावा गुरु यादव राष्ट्रीय प्लेयर आकाश पासवान समीर प्रदीप मुश्किलों का डगर है लेकिन देखना होगा इस बार रनिंग किक की कोशिश इस समय बड़ा शिकार किया इस बार आकाशिया के खिलाड़ी ने तारीफ कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल फर्स्ट बॉल मैच वुमेन सेक्शन इंदौर वांडर्स इंदौर वर्सेस गांधी व्यायामशाला में स्वागत बोथ कैप्टन इज गेट रेडी। इसके बाद कोर्ट बदला है क्या तस्वीर बदल पाएगी। बड़नगर की रेड आ गए इस समय समीर लेकर आए सितारा इस समय मध्य प्रदेश का रेड की कमान से कुछ टैकल में दोनों कॉर्नर है इस समय एक तरफ में रविंदर है और दूसरी तरफ बात करें देवेंदर दोनों कॉर्नर नकाशिया के समीर है रेड पे मुकाबला 19-17 इन फेवर ऑफ इस समय बड़नगर की टीम 2 पॉइंट की लीड में है। लॉन 9 नंबर की जर्सी में रेड की कमान में चुके इस समय देखा होगा जहां पर डिफेंस शे का इस समय शे के डिफेंस में राष्ट्रीय मिशन संस्था के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में बात करें देवेंद्र एक तरफ इस समय राइट कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर दूसरी तरफ क्या 10 नंबर की जर्सी में लोकेश और क्या बेहतरीन मेजबानी प्रदीप आए हैं रेड पे सुपर टैकल ऑन 19-17 का स्कोर क्वार्टर फाइनल रोमांच अपने शिखर पे है। बड़नगर के लिए रेड आई है सुपर टैकल में सुनहरा अवसर है ऑल आउट करने का रनिंग हैंड टच क्या कहने 20 हिट लेने वाला रनिंग हैंड टच था ये रनिंग और अब टू अडाई लड़ाई इस समय डकाचा की टू अडाई लड़ाई है बड़नगर 20 पे डकाचा 17 पे टू अडाई रेड इस समय देखना होगा इस समय शानदार मुकाबला है बोनस का प्रयास बोनस से बात नहीं बनेगी रिवाइव कराना होगा क्या बेहतरीन टच लाजवाब को टेस्ट किया है इस समय बोनस प्लस वन फिलहाल 19-20 का मुकाबला है किस स्कोर इस समय 20 में बड़नगर 19 में डकाशा क्या दिलचस्प मुकाबला निगाहें रखना समीर आए हैं इस खिलाड़ी के प्रदर्शन का लाजवाब अंदाज में समीर ने 4 पॉइंट के साथ चारों घर में तृप्त किया प्रतिद्वंदी डकाशा को डकाशा अभी भी शानदार वापसी करने की क्षमता 19-24 का स्कोर बड़नगर हेलो 19-24 वर्तमान जो मैच चल रहा है राष्ट्रीय बड़नगर और डकाचिया दोनों में से जो भी विजय टीम होती है होटल शिवम शंकर लाल जी पाटीदार की ओर से 1200 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वाकई में पाटीदार साहब काम बहुत आभारी है इन खिलाड़ियों को नवाजने के लिए इतना बड़ा हृदय शाइनिंग क्लब फिलहाल स्कोर देखें 25 पे राष्ट्रीय में संस्था और 19 पे नकाशा 25-19 एक घोषणा हुई है कंडाना वाले राणा जी की ओर से बंडर की जो टीम है राष्ट्र में संघ यदि ये विजय होती है तो इस टीम की जो कोच है ₹500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राणा जी कल्याण की ओर से
रना होगा बाहर रेडर को इस समय। बड़नगर 26 पे, डकाशिया 19 पे, बड़नगर की 7 पॉइंट की लीड अब हो चुकी है। बड़नगर कान्हा के आ जाने से समीर के मानो पैरों में पर लग गए हो। क्या शानदार अंदाज में आज खेल रहे हैं समीर और प्रदीप और जीतू यादव लक्ष्य हलवे। 1957 हेलो, देखिए बड़नगर की खेल प्रेमी जनता का ये सौभाग्य है कि प्रो कबड्डी के चमकते सितारे और भाई महेश जी गोर इंदौर से पधार चुके हैं। मैं शाइनिंग के परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आने का की कृपा करें भाई महेश जी गोर साहब, मंच पर पधारने का कष्ट करें भाई महेश जी गोर। आपको मैं बता दूं कि प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं भाई महेश जी गोर और वो पधार चुके हैं बड़नगर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शाइनिंग क्लब परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ मंच पर पधारने का कष्ट कर। एक बार सरदार तालियां बधाई महेश जी गोर के लिए। आपके मध्य प्रदेश के प्रो कबड्डी के बड़े मंच पे अपना प्रदर्शन किया बंगाल वॉरियर्स की तरफ से गौरव भाई गौरव और महेश जी गौर का हार्दिक अभिवादन। हाल ही में दूसरी पारी की शुरुआत भी की है इन्होंने, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं महेश भाई को। बड़ा उनका शानदार मुकाबला इस समय बेहतरीन अंदाज में खेल देखने को मिलता हुआ। पांच का डिफेंस है समीर आयर एक पे स्कोर देखे। बड़नगर 26 पे, डकाशिया 19 पे। भाई विनय जी शर्मा, भाई विनय जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। हम शाइनिंग क्लब परिवार की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ा दीपक आये हैं रेट पे डकाशिया के लिए, बोनस लेकर आए। डकाशिया 21 पे, बड़नगर 26 पे, फासला 5 पॉइंट की लीड में इस समय। मुख्य मंच के शोभायमान महेश जी गौर प्रो कबड्डी खिलाड़ी और क्या कहने इस बार बेहतरीन अंदाज में राइट कॉर्नर का शिकार किया प्रदीप ने। बड़ा मुकाबला दीपक आये हैं डकाशिया का, उभरता सितारा रेट की कमाल लेकर के। डिफेंस की समय बात करें, 7 का है जीतू यादव लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे 6 नंबर की जर्सी में। देखना होगा इस समय देवेंद्र, बड़ा मुकाबला है, निगाहें रखिए शाइनिंग क्लब और की खूबसूरत मेजबानी में। 27 पॉइंट पे बड़नगर और 21 पे डकाशिया, फासला 6 पॉइंट का बड़नगर के फेवर में। बड़नगर राष्ट्रप्रेमी टीम के लिए शेखर जी निनामा उद्यानी के अधिकारी की तरफ से यदि बंडे की टीम विजेता होती है तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बंडेवर टीम के लिए इनामों की घोषणा बहुत हो चुकी है। बहुत सारे इनामों के फेहरिस्त है इस समय, क्या शानदार मेजबानी है। 21-27 का स्कोर इन फेवर ऑफ बड़नगर। रेट की कमाल लेकर के इस समय दीपक डकाशिया के लिए। लेफ्ट कॉर्नर पे आक्रामक होकर खेल रहे हैं इस समय जीतू यादव राष्ट्रीय प्लेयर। राइट कॉर्नर पे है देवेंद्र और काना बना जो कि प्रो कबड्डी ऑप्शन में थे आपके बड़नगर से। शानदार अंदाज में इस समय टैकल किया खूबसूरती से बेहतरीन मेजबानी। बड़नगर 28 पे, डकाशिया 21 पे, दो मानव पुरुष प्रतिद्वंदियों की जंग हो। क्या शानदार मुकाबला 21-28 इन फेवर ऑफ बड़नगर। ढलती शाम के बीच राष्ट्रप्रेमी संस्था लेने की कोशिश है। अभी तो लड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। मुकाबला डकाशिया इतने आसानी से गवाएंगी नहीं, बड़ी टीम नहीं है भी। डकाशिया 21 पे, बड़नगर 28 पे। जीतू यादव लगता है आज से 5 साल पुराने जीतू यादव नजर आ रहे हैं आज। शानदार अंदाज में डबल एंकल होल्ड जीतू का। बनाल थर्ड रेड में समीर, राष्ट्रप्रेमी संस्था 29 पे, बड़नगर 21 पे। सुपर टैकल ऑन है और बड़नगर अभी मंत्री जैसे खिलाड़ियों को सुरक्षित करके रखा है। देखना होगा टेस्ट की खूबसूरती से डकाशिया को जहां से पॉइंट मिलेगा। डकाशिया 22 पे, बड़नगर 29 पे। 22-29 फासला 7 पॉइंट की लीड में। 23 पॉइंट पे अब डकाशिया इस पॉइंट के सहारे। 23-29 का स्कोर। क्या दिलचस्प मुकाबला क्वार्टर फाइनल का। एक एक रेट से मुकाबले की दिशा निर्धारित होगी। मालदा क्षेत्र की दामन धरातल है बड़नगर, कृषि से समृद्ध है, प्रतिभा में भी समृद्ध है और खेल के प्रति नजरिया शाइनिंग क्लब की
वाकई बेकाबले तारीफ। मैं विकास यादव आप सभी का हार्दिक अभिवादन। यह आवाज आकाशवाणी भोपाल और टोक्यो ओलंपिक में आप सुन चुके हैं। क्या खूबसूरत टैकल किया है इस बार, बेहतरीन अंदाज में टैकल किया खूबसूरती से डकाशिया ने। टैकल का जवाब टैकल से जेतु यादव और डिफेंस कान्हा बना, दहाड़ बने हैं इस समय। बड़नगर 20 पे, डकाशिया 24 पे। सेकेंड हाफ का खेल समीर है रेड पे, 3-24 का स्कोर। यह मुकाबला मानो किससे फाइनल से कम नहीं हो, इतना रोमांस को एकाकार किया है इस आयोजन ने। देखना होगा समीर उगता सितारा मध्य प्रदेश का रेड की कमान निकल के इस समय। 4 के डिफेंस में देवेंद्र है लेफ्ट कॉर्नर पे, देखना होगा इस समय। और 2 नंबर की जर्सी में रविंदर राइट कॉर्नर पे डकाशिया के लिए। लेकिन अब देखना होगा इस समय वेट की कमांड अब डकाशिया की आई है। माननीय जेसू शर्मा साहब हमारे रेफरी बोर्ड के चेयरमैन, पृथ्वीराज सिंह जी बघेल साहब अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और तमाम व्यक्तित्व जेस परमार साहब, नवीन जी यादव। आखिरी 5 मिनट कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। डकाशिया है 24 में, बड़नगर 30 पे, 6 पॉइंट की लीड में बड़नगर। क्या जबरदस्त मुकाबला, 24-30 का स्कोर। मुकाबले का सबसे क्रुशियल दौर देखना होगा इस समय। बेहतरीन ये मेजबानी देखने को मिल रही है। बड़नगर पे इनामों की बारिश हो रही है मानो। देखा होगा बड़नगर की कोच है जेपी यादव साहब, लंबे समय से खेल से जुड़े हुए फिलहाल समीर। 5 पॉइंट की लीड है, अब लगता है कि थर्ड रेट पे टीम खेलेगी। वक्त ज्यादा से ज्यादा लंबी रेट करने की कवायद होगी इस समय, देखना होगा। हमारे सरिता जी यादव बहन जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं बच्चे फाइनल के बड़े मुकाबले में डकाशिया की रेड आई है इस समय। डकाशिया है इस समय 24 पे, बड़नगर 30 पे। डकाशिया देखना होगा रेट की कमान। आखिरी 5 मिनट से कम का खेल शेष। जीतू यादव लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे इस समय दूसरी तरफ। 6 नंबर की जर्सी में देवेंद्र, पॉइंट मिलेगा डकाशिया को। डकाशिया आखिरी 4 मिनट, 2-2 रेड इस समय। आगे को आप इसे खाते हैं, 2-2 निगाहें रखना बड़नगर वालों। समीर नाम के तूफान को क्या रोक पाएगी डकाशिया के डिफेंस, देखना होगा इस समय। डकाशिया 25 पे, बड़नगर 30 पे। फासला 5 पॉइंट का। समीर साइड की बैक किक, तमाम स्किल की कोशिश, देखना होगा डिफेंस में। बहुत ही संयमित होकर डिफेंस खेलता हुआ, और फिर हाँ समीर एंकल होल्ड किया समीर को देवेंद्र ने लेफ्ट कॉर्नर पे। क्या बड़ा मुकाबला है। डकाशिया 26 पे, बड़नगर 30 पे। 4 का डिफेंस, जीतू यादव लेफ्ट कॉर्नर पे, देवेंद्र राइट कॉर्नर पे। आकाश भाव साहब से पॉइंट दोस्तों, डकाचा 2 पॉइंट, डकाचा वर्सेस बड़नगर के बीच में मैच चलता हुआ, काफी शानदार मैच चलता हुआ दोस्तों। सीतू यादव सीतू यादव 2 पॉइंट की मात्र लीड। डकाशिया ने वापसी की विभिन्न लगा दी है। सीतू यादव आए हैं रेड पे इस समय। क्या बड़नगर मुकाबले में जीतेगी या डकाशिया? 28-30 राष्ट्र में संस्था है 30 पे और डकाशिया 28 पे। इससे बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता बड़नगर वालों, निगाहें रखना। क्या शानदार मेजबानी है, बेहतरीन अंदाज में एक और पॉइंट के लीड में बड़नगर है। सुपर टैकल में आकाश भाषाई के बहुत शोक आई है, दोनों खिलाड़ी थोड़ा मेडिकल टीम आ जाते हैं, मेडिकल टीम आ जाए। आकाश भाषा यहाँ पे दोस्तों बड़नगर के खिलाड़ी और डकाचा खिलाड़ी दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी को चोट आ गई है, बहुत बुरी बात है दोस्तों। मैं दुआ करूंगा दोस्तों कि दोनों ही खिलाड़ी की चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। 28-33 पॉइंट के लीड में संस्था आकाश राव सारा जीतू यादव ने जीत की मानो कहानी की एक शुरुआत कर दी हो, लेकिन डकाशिया अभी भी वापसी कर सकती है। बड़ा मुकाबला, आकाश चोटे हुए लेकिन
सोको टैकल के दम डकाशिया के खिलाफ तीन बड़ी मुश्किल में थी। लंबी रेड करने की कोशिश कर सुपर टैकल ऑन है उस समय। लेफ्ट कॉर्नर पे जितू यादव, राइट कॉर्नर सात नंबर में, निगाहें रखिए, बड़ा मुकाबला है ये। क्वार्टर फाइनल का टैकल टक्कर है, जितू यादव एंड लाइन तक धकेला उनको, शिकार किया है वो। अजय सनरस मुकाबला नहीं हो सकता, क्या बेहतरीन मैच देखने को मिलता हुआ। रेड की कमान पे प्रदीप आए हैं इस समय, निगाहें रखना बड़नगर वालों। 30-33 आखिरी मिनट का खेल, आखिरी मिनट में खेल के शुरुआत का लाजवाब अंदाज में प्रदीप आए हैं रेड पे। बड़नगर की उम्मीद किया किरण सदार जैसा होगा इस समय हमारे पॉइंट मिला है इस समय बड़नगर को, और पॉइंट नहीं मानो जिंदगी देती है संजीवनी। देखना होगा बड़नगर इस समय बेहतरीन अंदाज में 34 में नकाशा 30 में कहना है। क्या शानदार मुकाबला इस समय प्रदीप के साथ से 31-34 का स्कोर, फासला 3 पॉइंट का, ऐतिहासिक मुकाबला। 3 पॉइंट की लीड में बड़नगर, प्रदीप मानो आज के हीरो बन गए हो। आखिरी लम्हों में प्रदीप ने मैच का नक्शा पलट दिया है। प्रदीप और क्या शानदार प्रदर्शन इस समय राष्ट्रीय का मुकाबला प्रदीप नाम के तूफान ने बोले ये भी याद होते की खुशी देखते है। राम नाग नाम मुकाबला अपने नाम कर लिया राष्ट्रीय मिशन का प्रदीप आकाश भाषा जीत मारा।